हो? ठीक है, उसमें हमने कल पढ़ा था भी गवर्नमेंट क्या होती है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, भाई भारत में कितने लेवल की सरकार है, आपने देखा था लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद था फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, भी जो गवर्नमेंट है उसके क्या क्या फंक्शन थे आपने पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी, इनके बारे में पढ़ा था ना सभी बच्चों ने। फिर उसके बाद आता ना भी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, क्या टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब भी पहले जो था जैसे मोनार्ची, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, ये थ्री टाइप्स की थी। ठीक है, मोनार्ची में क्या होता है, जैसे क्वीन और किंग होता है वो करते हैं उसके अंदर राज्य, राज प्रशासन चलाते हैं। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जो तानाशाही होता है, जैसे एडोल्फ हिटलर का नाम सुना था आपने, जर्मनी के अंदर तानाशाह था ये। ठीक है, उसके बाद था डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतंत्र। ठीक है, जहां पर लोगों के द्वारा चुना चुनी हुई जो सरकार है वो कार्य करती है। तो उसके बाद देखिए हमारा जो चल रहा था, तो कल हमारा इसके अंदर हो गया था मोनार्ची। मोनार्ची क्या होता है देखिए एक बार फिर बता देती हूँ आपको वैसे वर्बली। मोनार्ची कंसिस्ट ऑफ द रूल बाय ए किंग और क्वीन। मोनार्ची क्या होता है, एक जो शासक चलाते हैं राजा या रानी के माध्यम से। इन सम ट्रेडिशनल मोनार्चीज द मोनार्च हैज सुप्रीम पावर। कुछ मोनार्ची जो है ना राजाशाही, राजाशाही जिसको हम बोलते हैं, ट्रेडिशनल है वो शुरुआत कई मतलब पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, तो उनकी जो सुप्रीम पावर होती है ना भाई, वो सारे किसके पास होती है, मोनार्ची के पास होती है। ठीक है, जैसे यूके है, इनके अंदर क्या है, मोनार्ची जो है ना उस तरह की गवर्नमेंट है। उसके बाद डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप में आपने देखा था ना भाई, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला होता है ना भाई, उसी की चलती है, आम जो लोग होते हैं ना उनकी नहीं चलती, और ना ही उनकी कोई बात को लेकर के सुनवाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप। जैसे एडोल्फ हिटलर थे जर्मनी के अंदर, तो उनका तो फेमस थे डिक्टेटरशिप के लिए, इतिहास में प्रसिद्ध थे। उसके बाद देखिए जो हमारा अगला पॉइंट है वो था डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में आप देखिए, इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज रन बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, तो सरकार जो है ना वो लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा चलाई जाती है। सिटीजन हैव द राइट टू वोट एंड देर बाई चूज देर रिप्रेजेंटेटिव। कहते भी भारत के जो नागरिक है ना, कहते भी वो अपना वोट डाल करके अपना जो उम्मीदवार जो होता है उसको चुनते हैं। दे ऑल्सो हैव टू राइट टू कंसिस्ट द इलेक्शन। कहते भी वो सभी है ना इलेक्शन के माध्यम से उनको चुनते हैं। मोर एवर द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल्स फॉर इट्स एक्शन। कहते ज्यादातर जो सरकारें होती है ना, कहते भी वो लोगों के आंसर देती है और उन्हीं के प्रति एक्शन करती है, मतलब प्रतिक्रियाएं करती है। इट इज डज नॉट फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल्स, इट कैन बी वोट आउट ऑफ पावर द नेक्स्ट टाइम इलेक्शन आर है। तभी मान लीजिए वो सरकार लोगों की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी मतलब बातें उनसे कमिटमेंट की थी उनमें खरा नहीं उतरती है, तो लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आता है ना पावर के अंदर, तो उन्होंने इसको उससे वोट की जो पावर होती है उससे बाहर निकाल देते हैं। यानी कि आप देखते हैं भी जब इलेक्शन होते हैं तो एक बार मतलब भाई बीजेपी की सरकार है, कभी कांग्रेस की सरकार है, तो क्या होता है अगर एक सरकार इनको, तो गवर्नमेंट लगातार कार्य करती है, अगर वो कार्य अच्छे कर रही है तो लोग उससे सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, तो वो दोबारा से सोच सकते हैं। और उनका भी अगर उसने गवर्नमेंट ने आम लोगों के लिए कोई कार्य नहीं किया, भी आम पब्लिक परेशान हो रही है, उनके लिए रोडवे रोड की सुविधाएं अच्छी नहीं है, अदर फैसिलिटी उसने प्रोवाइड नहीं करवाई, तो इससे क्या होता है, कहते भी नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शन आते हैं ना, तो उसके माध्यम से लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, दूसरी जो तो सरकार होते हैं पार्टी की उसको बना देते हैं, उनको वोट दे देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। डेमोक्रेसी जो होती है ना टू टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, मतलब पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली बाय वोटिंग ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट इश्यू। मतलब इसमें क्या होता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कोई भी डिसीजन जो होता है ना उसके अंदर, मतलब वो डायरेक्ट वोटों के माध्यम से
उनका जो इम्पोर्टेंट इश्यू होता है ना, मुद्दा होता है, वो उसको ऊपर मतलब निर्णय लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी थस कैन ओनली एग्जिस्ट इन द स्मॉल कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होते हैं, जैसे छोटे छोटे जो कंट्रीज है ना, जैसे स्विट्जरलैंड है, इनके अंदर इस तरह का कार्य चलता है। भाई अपने जैसे जो बहुत बड़े देश है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो अपने यहाँ पर सीधा नहीं चल सकता। कंट्री विद ए ह्यूज पॉपुलेशन सच एज इंडिया हैज रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब जैसे अपना भारत देश है, उसके अंदर पॉपुलेशन बहुत अधिक है, और इस कारण से कहते भी हमारे जो देश के अंदर कहते भी जो उम्मीदवार है वो कहते, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होता है, रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। क्यों? क्योंकि देखते भी हर आदमी उसके सामने फेस टू फेस तो नहीं हो सकता, डिसीजन पब्लिक के सामने तो इम्पोर्टेंट जो इश्यू होते हैं उनके प्रति भी डायरेक्ट वोट डलवा करके कार्य तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन वो बहुत अधिक है। Here people elect representative through the process of election. नुकते इसे क्या करते हैं जो लोग है ना, नुकते भी अपना प्रतिनिधि किस कारण से करते हैं, नुकते इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है ना, चुनाव का जो प्रोसेस होता है, उसके माध्यम से वो अपना भागीदार उसके अंदर निभाते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। उसके बाद देखिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आवाज सुनाई दे रही है बेटा सभी को? मोस्ट अर्ली डेमोक्रेसीज वर नॉट ट्रूली पार्टिसिपेटिंग। पहले क्या होता था, लोकतंत्र के अंदर सभी लोग है ना उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते थे। यूजुअली प्राय द नोबल एंड द वेल्थ पीपल ऑफ द कंट्री वर द ओनली वंस हु वर अलाउड टू वोट। मतलब केवल वही लोग जिनके पास अच्छी धन दौलत होती थी, ठीक है, या फिर मतलब जो नामी लोग होते थे, मतलब उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार था, वो उन्हीं को अलाउ करते थे इस देश के अंदर, वही लोग वोट डालेंगे। उसके बाद देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया, हु आर द कॉमन पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग द राइट टू वोट थ्रू। मतलब जो आम लोग थे ना, उन्होंने भी अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी कि भी हमें भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। आफ्टर ए लॉन्ग एंड ओपन बिटर स्ट्रगल्स, लंबे समय अवधि के दौरान और उन्होंने काफी संघर्ष किया, तो फर्स्ट ऑल मैन एंड देन वुमेन आर अलाउड टू वोट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सभी जो आदमी थे पहले उनको अलाउ किया भी वोट डालने के लिए, ठीक है। व्हेन ऑल द अडल्ट सिटीजन ऑफ ए कंट्री हैव द राइट टू वोट। जब सभी उस देश के जो वयस्क नागरिक होते हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार दिया, इट इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। भाई ऐसे लोग जो वयस्क होते हैं बेटा, जिनको वोट डालने का अधिकार, जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो गई है, तो उनको स्वतंत्र रूप से वो अपना वोट डाल सकते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, वोट की वैल्यू तो एक ही होती है, तो उसके अंदर बेटा अमीर वोट डाल ले चाहे गरीब वोट डाल ले, ठीक है, तो किसी भी जात कास्ट का वोट डाले या किसी भी जाति का वोट डाले, तो कहते उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सभी के वोट की जो वो कीमत होती है ना वो बराबर होती है, वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है, इक्वल होती है, ठीक है। इन इंडिया कहते भारत के अंदर एवरी पर्सन ओवर द एज ऑफ 18 हैज द राइट टू वोट। कहते भारत के अंदर जो 18 साल से जिसकी ऊपर एज हो गई है ना, उन सभी को वोट डालने का अधिकार है। तो देखिए कहते वोट डालने से पहले क्या था, पहले नीचे दे रखा है कि उससे पहले जो गरीब लोग थे और वुमेन्स थी उनको बेटा ये अधिकार नहीं था वोट डालने का। लेकिन हम आज की बात करते हैं तो कहते भी आज हमारे देश के अंदर या अदर देश की हम बात करते हैं, 18 साल से ऊपर के जो भी है, लड़के हो चाहे लड़की हो, महिलाएं पुरुष हो, सभी को बराबर अधिकार दिया गया है, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है चाहे कोई भी नेता है, सभी की वोट की वैल्यू बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए केस स्टडी के अंदर बताते हैं द सफ्रेज्ड मूवमेंट्स, किस तरह से उन्होंने इस मूवमेंट को है ना सफल बनाया। भाई देखिए एज वी जस्ट रीड, हमने अभी पढ़ा है, फॉर ए लॉन्ग टाइम वुमेन वर नॉट अलाउड टू वोट। कहते भी औरतों को है ना भाई पहले है ना वोट डालने का अधिकार नहीं था, यानी कि उनको अलाउ नहीं किया गया वोट डाल सकते, लंबे समय तक ऐसा चलता रहा। इट वॉज थॉट दैट वुमेन वर नॉट केपेबल टू टेकिंग सेंसिबल डिसीजन। वो सोचते थे कि औरतें जो है ना
वो कोई भी जो डिसीजन होता है उसको अच्छी तरीके से नहीं निभा सकती, उसको नहीं ले सकती, कोई भी निर्णय जो है उसको नहीं ले सकती। वुमेन वाज फोर्स टू स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली। मतलब वो क्या सोचते थे, केवल औरतें हैं ना, घर के अंदर ही रहती है और घर का कार्य करती है और परिवार की देखभाल करती है। मैन क्लेम्ड दैट वुमेन हु टू पार्ट इन पॉलिटिक्स वुड बिकम्स अनफीमेन अनफीमेंस एंड डिस्ट्रॉयर द पीस ऑफ द हाउस बाई एग्रीमेंट। मैन जो थे ना, केवल वो ही मतलब पार्ट जो राजनीतिक जो हिस्से होते थे उसके अंदर भाग लेते थे और औरतों को इससे दूर रखा जाता था। दीज आर स्टोरी विच वर यूज टू ओपर्स वुमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब इसके लिए जो औरतें थी ना उनको काफी लंबे समय तक इनसे दूर रखा गया, वोट डालने से उनको दूर रखा गया। इन द यूएसए एंड ब्रिटेन, मतलब यूएसए और ब्रिटेन के अंदर क्या था, सब ग्रेट मूवमेंट्स वाज स्टार्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ नॉट बीइंग अलाउड टू वोट। मतलब यूएसए और ब्रिटेन की जो औरतें थी ना उनका एक जो ग्रुप था मध्यम, जो 19वीं शताब्दी थी उसके मध्य में उन्होंने इसके प्रति भी हमें न्याय दिया जाए, भी हमें भी वोट डालने के लिए अलाउ किया जाए, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। दे वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक्स एंड इवन चेंज्ड देमसेल्फ टू रियली ऑन द स्ट्रीट टू गेन पब्लिक अटेंशन। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लंबे समय तक स्ट्राइक किया और कहते भी उन्होंने रैलियां निकाली गलियों के अंदर से, जिससे क्या बहुत पब्लिक थी वो मतलब क्या होगी, एक्टिव हो गई, अटेंशन हो गई। मैनी ऑफ देम हैड टू गो टू प्रिजन, बहुत से लोग क्या थे जेल के अंदर चले गए। इट वाज ओनली आफ्टर ईयर टू स्ट्रगल्स दैट देयर डिमांड वर मीट एंड दे वर अलाउड टू वोट। कहते उसके बाद क्या हुआ, कुछ वर्षों बाद इस तरह से संघर्ष चलता रहा, उसके बाद कहते जो महिलाएं थी ना उनको वोट डालने का अधिकार दे दिया। ये महिलाओं को वोट डालने के लिए कंपेनिंग की गई थी, ठीक है, और ब्रिटिश का जो न्यूज पेपर था ना उसके अंदर 1906 के अंदर ही बातें आई थी। उसके बाद देखिए द राइट वाज फाइनली ग्रेटेड इन 1918 बट विद क्रिटेन कंडीशंस द वुमेन हैड टू बी ओवर 30 इयर्स ऑफ एज। कहते भी उन्होंने इस अधिकार को लागू तो कर दिया लेकिन कहते 1918 के अंदर इसको लागू कर दिया, लेकिन कहते भी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कंडीशन रख दी जिस औरत की आयु 30 वर्ष से ऊपर हो गई है वो ही इस कंडीशन मतलब वोट डाल सकती है। एजुकेशन एंड ओन प्रॉपर्टी, जो एजुकेटेड हो और जिसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो। इट लुक अनदर डिकेड ऑफ स्ट्रगल्स फॉर वुमेन टू गेट देयर वोटिंग राइट एज पर विद मैन। मतलब उसके बाद फिर क्या किया दूसरे ने देखा कि उन्होंने फिर स्ट्रगल शुरू किया, भी औरतें हैं उन्होंने संघर्ष किया कि भी हमें भी जैसे आदमी है उनकी तरह वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। लेडिया टिफ वाज द फर्स्ट वुमन नोन टू द लीगल वोट टू कॉलोनियल अमेरिकन। कभी लेडिया जो टिफ थी ना उन्होंने वो फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने कभी अपना वोट है ना जो कॉलोनियल अमेरिका उसके अंदर डाला था। The right to vote was extended the women in the France in 1944. कहते फ्रांस के अंदर जो महिलाएं थी ना उनको वोट डालने का अधिकार कब दिया गया, 1944 में, और स्विट्जरलैंड था ना उसके अंदर 1971 में। समझ में आया भाई सभी को? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, समझ रहे हो बेटा? यस मैम। क्लियर हो रहा है सभी को? यस मैम। ओके, अब देखिए बेटा हमने जो चैप्टर पढ़ा था ना इसमें भाई हमने क्या क्या पढ़ा, इस रिप्ले के अंदर बता रखा। देखिए द गवर्नमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी थ्रू विच ए पॉलिटिकल सिस्टम एक्सरसाइज इज अथॉरिटी रेगुलर पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज इट्स सब्जेक्ट। मतलब हमारी जो सरकार है वो लगातार हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी जो अथॉरिटीज है, ठीक है, और पब्लिक जो पॉलिसियां हैं तो उनको प्रशासन से संबंधित जो भी बातें हैं तो उनको ऑर्गेनाइज करती रहती है।
स्टेट गवर्नमेंट डील विद द इश्यू रिलेटेड टू एन इंट्री स्टेट, मतलब एक दूसरे स्टेट के अंदर आपस में कोई विवाद होता है, इश्यू होते हैं, तो मतलब अभी वो आपस में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसके बीच में डील करवाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई दिल्ली गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ है गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है एक्सेट्रा, भी हमारा आपस में कोई भी चीज को लेकर के मतलब कोई इश्यू होता, कोई डील होती भी, हमें ये कार्य करना, इससे आपका फायदा, प्रोजेक्ट ये है हमारा फायदा है, तो इस तरह कार्य वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची लाइक द यूके द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिमिट्स टू मोनार्ची कंट्रोल, कदे भी यूके जैसा देश है ना उसके अंदर कदे भी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होगी उसकी लिमिट रख रखी है, और वहां पर क्या है जो मोनार्ची होते हैं ना वो ही केवल उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। इन ए डेमोक्रेटिक इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज रन बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, मतलब डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है ना, मतलब आम जो लोग होते हैं वो अपने प्रतिभागी निभाते हैं सरकार का, उनके माध्यम से ही चलती है। When all the adult citizen of the country have the right to vote, it is known as the universal adult franchise. मतलब सभी जो हमारे adult जो citizen है भाई जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो गई देश के अंदर, मतलब उन सभी को वोट डालने का अधिकार है, और इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। अब उसके बाद देखिए आपने चैप्टर पढ़ा है, इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर है आपके वो आपको बता रहे हैं और आपको इसके आंसर देने हैं। देखिए द गवर्नमेंट डील विद द ब्लैंक्स फेस बाय द लोकल पीपल, ऑर्डर अथॉरिटी प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज। प्रॉब्लम्स क्या है ये? प्रॉब्लम, यस। नेक्स्ट देखिए, इन ए डिक्टेटरशिप काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट पीपल फील ब्लैंक्स बिकॉज द डिक्टेटर डज नॉट अलाउ एनी लॉ, थर्ड जो हमारा है, ब्लैंक्स हैव द राइट टू वोट एंड देयर बाय चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव इन ए डेमोक्रेसी। फिर डेमोक्रेसी के अंदर कहते भी अपना जो प्रतिनिधि जो होता है, उम्मीदवार जो होता है, कहते उसको कौन चुनता है, एनी पर्सन, सिटीजन, गवर्नमेंट या चिल्ड्रन? बोली थर्ड क्वेश्चन है आपका, सिटीजन। हाँ सिटीजन्स, क्या आएगा? सिटीजन्स, सिटीजन है, यस। इन ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल ब्लैंक्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली बाय वोट ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट इश्यू। डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है, हाँ पार्टिसिपेट, क्या पार्टिसिपेट, वही तो करेंगे। डायरेक्ट में क्या होता है भी लोग उसके अंदर जो पार्टिसिपेट करते भी, जैसे अपने कोई भी क्विज होती है ना, वैसे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, लेकिन जब आप कोई चीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कि भाई आपको फेस टू फेस आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, दूसरी तो बातें वो की जाती हैं, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेट, यानी कि वहां पर जो लोग गए उन सभी से क्या किया, डिसीजन किया, अभी निर्णय लिया, अभी आपका क्या है विचार है, आपके क्या है, आपके क्या है, तो वो सभी उसके अंदर भागीदारी थी, पार्टिसिपेंट थे। नेक्स्ट देखिए, यूजुअली द नोबल्स एंड द वेल्थ पीपल ऑफ द कंट्री वर टू ओनली वंस हु वर ब्लैंक्स टू वोट अलाउड। देखिए नेक्स्ट जो हमारे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए द पावर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द ब्लैंक्स डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। गवर्नमेंट देखिए ना, कहते उनकी जो शक्तियां होती है, जो उनके कार्य होते हैं, तो कहते अलग अलग देश के अंदर अलग अलग हिसाब किताब से कार्य होते हैं, होते कि नहीं होते बेटा?
जैसे अपने घर के अंदर भाई, हर घर के अंदर उनके अलग रूल रेगुलेशन होते हैं भाई। कोई लोग क्या करते, बाहर घूमना ज्यादा पसंद करते, कई लोग अपने घर के अंदर ही रहना पसंद करते, ठीक है। किसी की कुछ मतलब आदतें होती, किसी कुछ आदतें होती हैं, मतलब इस तरह जो उसकी पावर्स और जो फंक्शंस है ना भाई, वो कंट्री टू कंट्री यानी कि एक देश से दूसरे देश में क्या होती है, अलग अलग होती है। वहां के अलग नियम होते, हमारे यहाँ अलग नियम है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड जो है हमारा, द स्टेट गवर्नमेंट डील विद द ब्लैंक्स रिलेटेड टू एन एंट्री स्टेट। लीजेस इश्यूज, क्या आएगा, इश्यूज, इश्यू क्या होते हैं, कोई भी मुद्दा होता है, ठीक है ना। इंटायर स्टेट इन स्टेट के अंदर इश्यू करके आता है मुद्दा। थर्ड देखिए, ब्लैंक्स कंसिस्ट ऑफ रूल बाय ए किंग और क्वीन, बताइए एक जो राजा और रानी है, मोनार्की, क्या आएगा, मोनार्की। हाँ नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल फॉर इट्स ब्लैंक्स, एक्शन, एक्शन, ठीक है। एक लास्ट ऑप्शन और है, तो उसकी मैंने इसमें फोटो नहीं खींची, तो वो देखिए आप, द नोबल एंड द ब्लैंक्स पीपल ऑफ द कंट्री वर द ओनली हु वर अलाउड टू वोट इन अर्ली डेमोक्रेसी। देखिए अपना जो रिप्ले के अंदर भी आया था, और इससे पीछे जो सफरेज जो मूवमेंट्स का स्टडी के अंदर भी हमने पढ़ा था, तो इसके अंदर क्या आएगा बताइए, द नोबल्स एंड द भाई कौन कौन, मतलब वोट जो है पहले किस तरह के लोगों को अलाउ थे भाई, जिनके पास मतलब अच्छा वर्चस्व था, जिनके पास अच्छी धन दौलत थी, वेल्थ आएगा इसके अंदर, क्या आएगा, वेल्थ, ठीक है। उन्हीं लोगों को पहले वोट डालने के लिए परमिशन दी जाती थी। अब देखिए जो हमारा चैप्टर था कंप्लीट हो गया है, थर्ड चैप्टर है, तो सबसे पहले आप बताएं जो हमारा थर्ड चैप्टर था इसका नाम क्या था भाई। यस, हमारा जो थर्ड चैप्टर है, यस, व्हाट इज ए गवर्नमेंट। देखिए आपने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट और कोई भी जो एजेंसी जो होती है भाई, उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसकी जो अथॉरिटीज होती है, जो उसके रेगुलेटिव रूल रेगुलेशन होते हैं, प्रशासनिक जो गतिविधियां होती हैं, वो सभी कौन करती है, उसकी देखभाल भाई गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा भाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत के अंदर किस तरह की गवर्नमेंट है, उसके बारे में हमने जाना भी, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए लोकल गवर्नमेंट के अंदर आप देखते हैं ना, कभी अगर हमारी जो सरकार है वो एक चैन की तरह कार्य करती है भाई, मान लो सेंटर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारे स्टेट की देखभाल करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है लोकल गवर्नमेंट होती है उनकी देखभाल करती है, उनके माध्यम से चलती है। तो कभी जो लोकल गवर्नमेंट जो होती है, जैसे अपने गांव के अंदर ग्राम पंचायतें हैं, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, ठीक है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन है, तो ये सब लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। अब देखिए गांव के अंदर जो हु इज द हेड ऑफ विलेज, गांव का कौन होता है, हु इज द हेड ऑफ विलेज, बताइए भाई। जैसे अपने परिवार का मुखिया होता है, सबसे बड़ा आदमी होता है अपने परिवार के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं घर का मुखिया है। हाँ बोलिए, शाबाश, फिर बोलिए बेटा, सरपंच, कौन होता है, सरपंच होता है। आप लोग कहते हैं यस सरपंच होता है, उस सरपंच से नीचे और भी होते हैं सदस्य, 5-7 सदस्य होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पंच होते हैं, प्रत्येक वार्ड से अलग अलग होते हैं ना। उस देखिए पूरे गांव के अंदर सरपंच तो एक होता है ना, वो उनका हेड हो गया। उसके अलावा हमारे जितने भी वार्ड है, ठीक है ना, जितने में हमारे वार्ड है या मोहल्ले हैं, उनमें से प्रत्येक मोहल्ले से एक क्या होता है, पंच होता है ना भाई। उस मोहल्ले के अंदर, उस वार्ड के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, भी पानी से संबंधित प्रॉब्लम है बेटा, वहां पर नाली से संबंधित प्रॉब्लम है, वहां पर बिजली से संबंधित प्रॉब्लम है, तो वो सभी लोग अपने अपनी बातें उठाते हैं, सरपंच के समक्ष रखते हैं, और सरपंच क्या करता है, फिर उनके बातों को भाई ये सरकार के पास रखते हैं,
जो अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या स्टेट गवर्नमेंट उनके पास रखती थी, हमारे गांव के अंदर हमें ये सुविधाएं चाहिए, हमने हमारे गांव के अंदर हमें स्ट्रीट लाइटें चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, भी पीने का अच्छा पानी चाहिए, गांव के जो नालियां हैं गलियां हैं वो क्या होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से क्या करती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो हमारे जो गांव होते हैं उनको ग्रांट देती है। ठीक है, अभी ठीक है, ये आपको इतने पैसे दिए हैं, इसके अंदर आपको कार्य करवाना। तो जब कार्य करते हैं तो उसके अंदर देखिए एक दो और परमानेंट जो सदस्य वो इंक्लूड होते हैं, जिसको ग्राम सेक्रेटरी बोलते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी जो होता है वो गांव के अंदर जो भी कार्य होते हैं ना, उन सभी कार्यों को क्या करता है, उन सभी कार्य उसकी देख रेख में होते हैं, भी गांव के अंदर कितने सामग्री आई, कितना उन्होंने इस्तेमाल किया, वो सारे लिखा वो करते हैं। कौन होता है, सेक्रेटरी। और ये क्या होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट अधिकारी होता है ये, वो उसकी देख रेख में सारे कार्य होते हैं। उसके बाद बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की, किसकी आती है, स्टेट गवर्नमेंट की। देखिये स्टेट जो गवर्नमेंट होती है भाई, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है भाई, वहां पर मान लो एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पर गांव, कई गांव ऐसे जो बिल्कुल बाहर की तरफ है, वहां पर न तो उनका कनेक्ट हो रहा है भाई, सड़क से कनेक्शन है उनका, न ही मतलब बिजली सुविधा वहां पर, न ही कोई स्कूल है। तो इस तरह के वो मुद्दे है ना, वो अपने स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट है ना उन मुद्दों के ऊपर देखती है, पूरा उसका जानकारी लेती है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर कार्य चलता है। समझ गए। दूसरा भाई, जैसे मान लीजिए, रख दूं मेरे क्लास में, जैसे मान लीजिए बेटा अपने यहाँ पर आसपास में भाई कोई भी स्कूल नहीं है, बड़ा गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि हम गवर्नमेंट को बार बार उसके बारे में कहेंगे, हमारे गांव के अंदर इतनी जनसंख्या, इतने बच्चे, इतने पढ़े लिखे लोग है, इतने नहीं है, तो उन सभी के लिए हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट के पास बार बार अप्रूवल उनके पास भेजेंगे, और फिर वो क्या करेगी, वो उसके ऊपर सुनवाई करेगी और अधिकारियों को भेजेगी, वो उसके बारे में वहां की इंक्वायरी करके ले जाएंगे, और स्टेबल हो गए, हाँ भाई इसके आसपास इतने इलाके हैं, उसके अंदर वो जो प्रोजेक्ट जो होता है वो उसको पास कर दिया जाता है, और उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे अपने नारनौल के अंदर जो लॉजिस्टिक हब बना रहे हैं, और अभी कॉरिडोर जो निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी अच्छी बन जाएगी, कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी तो भाई यातायात के साधन है और सुविधाएं हैं भाई, लोगों को रोजगार है वो अधिक मात्रा में मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब कार्य किसके लिए होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है वो करती है। उसके बाद बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है बेटा, वो क्या करती है, पूरे देश के अंदर हमारा पूरा जो राष्ट्र है ना, उसके अंदर भाई देखिए आप देखते हैं, अभी महामारी चल रही थी, कोरोना महामारी थी, अभी आप देखते कई स्टेट ऐसे जो बाढ़ से ग्रस्त हो रहे हैं। ठीक है, जैसे भाई बिहार है, असम है, इनके अंदर आप देख रहे हैं बाढ़ भयंकर आ रही है, तो मतलब उन सभी के लिए क्या है, भाई सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो भाई उनको सहायता देती है, और उसको दोबारा से मतलब जो भी नुकसान होता है, वहां की जो सड़कें वो डैमेज हो जाती है, और भी काफी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, उन सभी को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा भाई ज्यादा से ज्यादा। तो कहते ये जो सब पैसा है ना, ये किस कहां से आता है, कहते ये सब पैसा जो हमारे टैक्स वगैरह होते हैं ना उनसे आता है, और उन्हीं पैसों को वो आम जनता के लिए लगाती है। उसके बाद था फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, भी गवर्नमेंट जो होते हैं क्या कार्य होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, प्रतिदिन जो क्या क्या कार्य होते हैं उनकी वो मैनेज करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहाँ पर रोड की व्यवस्था कैसी है, टूटे हुए क्या है उनकी रिपेयरिंग करवानी है, रेलवे का सिस्टम कैसा है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है वहां का, स्ट्रीट लाइटें कैसी है, पब्लिक फैसिलिटीज कैसी है, पार्क वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह, ये सब मेंटेन करते हैं। सिक्योरिटी की बात आती है तो देखते हैं हम सिक्योरिटी के लिए, आप और हम बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, भी सुरक्षित हैं। तो हम सुरक्षित किसकी वजह से, मगर भी हम सुरक्षित हैं जो हमारी आर्मीज है, फोर्स है और नेवी है, उन तीनों जो हमारी सेना है उनके कारण से हम अपने घरों के अंदर सुरक्षित हैं। वो हमारी सीमाओं के ऊपर क्या करते हैं, वे पूरी तरह से अपनी सीमाएं हैं उनके ऊपर मुस्तैदी से तैनात होते हैं, वे किसी तरह की कोई गतिविधि न आए, कोई विदेश हमारे ऊपर अटैक न कर सके, तो उस सभी की गतिविधियां जो होती है उनको ऑब्जर्व करती रहती है। आर्मी जो हमारी होती है, थल सेना होती है भाई जमीन के ऊपर जो रहती है, एयरफोर्स जो हमारी वायु सेना होती है ऊपर से निगरानी रखती है, और नेवी जो हमारी होती है, जल सेना जो होती है
जो हमारे समुद्र वगैरह होते हैं उनके ऊपर वो मुस्तैद रहती है, तैनात रहती है। उसके बाद इकोनॉमिक्स भाई, वो भी अपने जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है भी किस देश से स्टेट के अंदर फाइनेंशियल कितना करना है, उसका इश्यू करेंसी इश्यू कैसा है उसके ऊपर कंट्रोल करना, वहां का व्यापार उसके अंदर भी, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति मतलब और मजबूत होकर के आए। तो ये सभी चीजों के लिए क्या है, इकोनॉमिक जो है वो भी पॉलिसी जो होती है स्टेट ही डिसाइड करता है। उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी भी, सामाजिक जो आम लोग है समाज के अंदर उनकी क्या सिक्योरिटी होती है, वो भी उनकी हेल्थ केयर से संबंधित जो फैसिलिटी देनी है, ओल्ड एज पेंशन भाई बुढ़ापा जो पेंशन है वो प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, किसी के अंदर कोई तरह का भेदभाव तो नहीं चल रहा है, सभी लोगों को बराबर अवसर मिले हुए हैं कि नहीं, वो सब चीजें वो चेक करती रहती है, वो लोगों को प्रोवाइड करवाती है, समझ गए बेटा। उसके बाद टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, यस यस मैम। हाँ, तो समझ में आया बेटा आप सभी को, हमारा जो चैप्टर 3 था, यस मैम, तो इसके हाँ ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कल हमने अपने चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर भेजे थे आपके पास, सभी बच्चों ने लिख लिए बेटा? नो मैम, हैं नहीं लिखे हैं भाई, उनको लिखना, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। कल सेकंड चैप्टर सिविक्स का था, उसे क्वेश्चन आंसर भेज दिए गए थे, ठीक है, उनको रफ फेयर कॉपी के अंदर लिखना है सभी बच्चों को। साथ साथ बेटा काम किया करो आप, दो तो मैंने पीछे तक मांगते हो, मैंने हमारा ये काम रह गया ये रह गया, बेटा साथ साथ काम किया करो, बहुत अच्छे बच्चे हो, सुंदर राइटिंग करनी है आपको, अच्छे से कार्य करना है, ठीक है। yes, और किसी बच्चे कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो बेटा? मैम, हाँ मैम, हमने ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 और 3 नहीं करा। कौन सा बच्चा बोल रहा है भाई, नाम बताएं अपना? मैम प्रियांशी। प्रियांशी क्यों नहीं किया बेटा? मैम फोन में था ही नहीं। भेजे थे बेटा सारे, भेजे आपके, अभी 1 जुलाई से सिलेबस शुरू होगा तो उसके अंदर सारे थे ये चीजें। अभी भी पीडीएफ 1-2 दिन पहले भेजी होगी आपके, चैप्टर 1 से 5 तक नहीं भेजे तो इसको भेज देंगे, कर लेना आप अच्छे तरीके से, ठीक है बेटा। मैम ज्योग्राफी का नहीं गया लेसन नंबर 2 और 3 और सिविल्स का कर रखा है। ओके, लेकिन बार बार कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए आपकी, फिर वही आती है बार बार, हर रोज वही आती है। मैम आज कर लेंगे, भेज देना आप। कर लोगे पक्का? यस मैम। ओके यस मैम, बाय, ठीक है, बाय मैम। यस मैम, बाय मैम। ओके बाय 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 मैम, बाय मैम, बाय बेटा, बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।